तो दोस्तों एमआरएफ ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस कंपनी ने सेकंड इंटरम डिविडेंड के रूप में 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है। तो मुझे नहीं पता कि ये 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी क्यों दी है, क्योंकि 90,001,00,000 रुपये का शेयर अभी चल रहा है पर शेयर, और ऊपर से 3 रुपया, मतलब कुछ परसेंटेज भी नहीं है, मतलब 0.01% भी नहीं आता है ये। चलिए अब नंबर्स क्या है उसके बाद देखते हैं क्या टारगेट हो सकते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5,826 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 4,920 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 5,644 करोड़ के आसपास का कंपनी का रेवेन्यू बना है। तो साल से साल बोल सकते हैं कि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 12% के आसपास की तेजी है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर आते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 4% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के खर्चे देखते हैं, खर्चे क्या हुए। पिछले क्वार्टर में 5,729 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 4,787 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 5,484 करोड़ कंपनी ने खर्च किए। तो कंपनी के खर्चे जो है वो कंट्रोल में इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए, ये रहा हमारे सामने, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 129 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 149 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो 174 करोड़ के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों के अंदर एक बड़ी जंप आपको देखने को मिला है। चलिए ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस क्या है। पिछले क्वार्टर में 306 रुपये का ईपीएस हुआ करता था, पिछले साल 352, जबकि अभी देखें तो 412 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल अगर देखें नंबर्स, तो नंबर्स मिक्स टाइप के हैं, इसको मैं पॉजिटिव भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कंपनी ने क्वार्टर क्वार्टर अपने रेवेन्यू को कम किया है, जो कि एक मेरे हिसाब से थोड़ा सा चिंता वाली बात है। ओवरऑल देखें तो नंबर मिक्स टाइप के हैं, मुझे नहीं लगता कि इस नंबर के बाद एक बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। ओवरऑल नॉर्मल से नंबर है, 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे, बस यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।